अगर आप कॉमन ब्रांड से हट के थोड़ा सा आप एक अलग कंपनी की कोई बाइक लेना चाहते हैं जो रोड पे थोड़ा कम दिखती हो और एक पावरफुल मशीन हो, तो आपके लिए कावासाकी निंजा 300 एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास में है कावासाकी की निंजा 300 और आज हम इस बाइक को डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या परफॉर्मेंस है, क्या पावर है, इसको चलाएंगे। उससे पहले हम इसको डिटेल में वॉक अराउंड करेंगे कि भैया इसमें कौन कौन से फीचर हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आइए दोस्तों ये वीडियो डिटेल में देखते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंट कितने आते हैं, देखिए ये सिंगल वेरिएंट के साथ में ये बाइक आ जाती है। कलर की बात की जाए तो इसमें एक लाइम ग्रीन कलर आता है, कैंडी लाइम ग्रीन आ जाता है और ये एक इबोनी कलर आ जाता है, यानी टोटल 3 कलर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 3,37,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है दिल्ली का, 3,37,000 रुपीज़, जो कि ऑन रोड आते आते लगभग 360 के आसपास पहुँच जाता है, यानी 3,60,000 के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस पहुँच जाता है। नेटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़े शहरों में ही ये बाइक अवेलेबल होती है। तो ये कलर वेरिएंट्स की बात हो गई, प्राइस की बात हो गई, माइलेज वगैरह इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। बात करते हैं इसकी कुछ डिज़ाइन से। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है और ये स्पोर्ट टूरिंग बाइक हो जाती है, मतलब ये है कि आप थोड़ा बहुत आप इससे लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। फ्रंट पोर्शन आप देखेंगे तो यहाँ कंप्लीट ये फेयरिंग के साथ में ये बाइक आ जाती है और फ्रंट का लुक आपको इसको काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर विंडशील्ड देखने को मिल जाती है ऊपर की तरफ में, ये पूरा ट्रांसपेरेंट आ जाती है, जो कि आप 100-150 के अराउंड जब होते हैं तो विंड ब्लास्ट जैसा इशू नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइड मिरर आप देख रहे हैं, इसमें ही आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, साथ में इंडिकेटर नीचे भी हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर भी लाइट दी गई है क्योंकि ये एडजस्टेबल है, आप चाहो तो इसको अंदर भी कर सकते हो। वहीं जो इसकी हेडलाइट है वो यहाँ पर हेलोजन बल्ब के साथ में आ जाती है, तो क्या है कि यहाँ पर LED वगैरह नहीं दी गई है, तो जो कि हेडलाइट में अगर यहाँ पर हेलोजन बल्ब दिया गया है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हेलोजन बल्ब हैं वो फॉग में काफ़ी बेहतर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर 37mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और टायर साइज़ की बात करूँ तो 100x10 70 सेक्शन के 17 इंचेस के यहाँ पर व्हील दिए गए हैं। 290mm का यहाँ पर पेटल डिस्प्लेट आ जाती है, डुअल चैनल ABS के साथ में ये बाइक आ जाती है और यहाँ पर डुअल पिस्टन कैलिपर दिए गए हैं, क्योंकि क्या है कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर 300cc में देखने को मिल जाता है। बात करें साइड पोर्शन की तो देखिए साइड पोर्शन पे यहाँ पर साइड में निंजा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एयर पास करने के लिए एक डिज़ाइन भी हम यहाँ पर कह सकते हैं और दूसरी चीज़ है कि एयर पास करने के लिए भी है, ताकि जैसे इंजन वगैरह गर्म होता है तो एयर पास होती रहेगी। लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में ये बाइक आ जाती है, अंदर की तरफ में यहाँ पर रेडिएटर देखने को मिल जाता है, बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है, जिससे क्या है कि आप बाइक आराम से खींच के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग जैसा इशू नहीं आएगा। 300 की साइड में यहाँ पर बैजिंग दी गई है, ब्लैक विद ग्रीन पेंट की स्कीम यहाँ पर दी गई है, बड़ी सी ये पूरी यहाँ पर फेयरिंग आ जाती है और ये यहाँ पर फुटपैक्स भी एल्युमिनियम के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि गैब्रेल था, लेकिन गैब्रेल लोग पसंद नहीं करते हैं, राइडर पसंद नहीं करते, तो क्या है कि इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं सीट की बात करूँ तो सीट हाइट आप देखेंगे, जिसकी हाइट थोड़ा सा 5'2" के आसपास भी होगी उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से वो बैठ सकेगा। यहाँ पर जो जैसा मैं ऑब्जॉर्व कर पा रहा हूँ कि राइडर के लिए तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाती है। हाँ, थोड़ा सा पिलियन के लिए क्या है कि ऐसी कुछ डिज़ाइन रखी गई, अगर यहाँ पर चौड़ा कर देते तो वो शायद लुक उतना अच्छा ना आए, इसलिए यहाँ ऐसी कुछ डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कम हाइट वालों के लिए भी बेहतर रहेगा, दोनों पैर आराम से लग जाएंगे। बाकी मैं बैठ के आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसी यहाँ पर बैठने पे आ रहा है। तो जैसे मेरी हाइट तो भाई 5'9" है, तो मैं बहुत आसानी से बैठ पा रहा हूँ, ईजिली आ जा रहे हैं दोनों पैर, बिल्कुल फ्लैट आ जा रहे हैं। और अगर मैं पोस्चर की बात करूँ तो कुछ ऐसा पोस्चर आएगा, तो मतलब ये है बहुत ज़्यादा आपको लीन नहीं होना पड़ता है। तो जब आपको बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ता है तो क्या है कि आप थोड़ा सा अगर लंबी राइड भी करते हो तो कहीं बैक पेन जैसा इशू नहीं आएगा, शोल्डर्स पे पेन नहीं होगा और हाथों पे भी उतना ज़्यादा लोड नहीं आएगा। और एक चीज़ और है कि इसका जो हैंडल है वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर रखा गया है, तो यहाँ पर ख़ास तौर पे राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है और बहुत ज़्यादा लीन भी नहीं होना पड़ता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। रियर टायर की बात करूँ तो रियर टायर काफ़ी ज़्यादा वाइड यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आप पीछे से भी देखेंगे तो अट्रैक्टिव हो जाता है। इसके अलावा जो है क्या कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग करते हैं तो काफ़ी
फन करेंगे आप इसमें। और 140/70 सेक्शन का 17 इंचेस का यहाँ पर मिल जाता है और 220 mm की यहाँ पर रियर पर डिस्प्लेट मिल जाती है। और जो यहाँ पर रियर शॉकर है वो 5-way एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है, गैस चार्ज आ जाता है। और इसका एग्जॉस्ट नोट मैं यहाँ पर कराना चाहूँगा कि कैसा इसका एग्जॉस्ट नोट है। तो इसका एग्जॉस्ट नोट एग्रेसिव होता है जैसे जैसे आप इसका आरपीएम में जैसे जैसे आप हायर स्पीड पे जाते जाएंगे इसका एग्जॉस्ट नोट और भी खूबसूरत हो जाता है, या हम ये कह लें इसका साउंड और भी एग्रेसिव होता चला जाता है। अब यहाँ पर जो इसका फ्यूल टैंक है ये 17 लीटर का मिल जाता है, जो कि हम ये कहेंगे कि 17 लीटर बहुत अच्छी कैपेसिटी हो जाती है। और यहाँ पर क्या है कि उससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो वेट और अननेसेसरी बढ़ता चला जाएगा। वहीं अगर मैं इसके हैंडल की बात करें तो यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल देखने को मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर क्या है कि सेमी डिजिटल दिया गया है, यहाँ पर RPM का देखने को मिल जाता है। इधर यहाँ डिफरेंट लाइट्स है, यानी न्यूट्रल का है, इंजन मेलफंक्शन का, इंडिकेटर्स की लाइट है, ABS का है। यहाँ पर क्या है कि इधर ऑडोमीटर आ रहा है, स्पीडोमीटर दिया गया है, फ्यूल इंडिकेटर है, टाइम आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या है कि ट्रिप का देखने को मिल जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी का देखने को मिल जाता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं दिया गया है, तो ये थोड़ा सा मुझे कमी लगती है कि यार यहाँ पे एटलीस्ट गियर पोजीशन इंडिकेटर तो होना ही चाहिए, ताकि जो है ये पता चल सके कि किस गियर में बाइक ये चल रही है। कावासाकी की निंजा 300 को जब हमने चला कर देखा तो इसके साथ में हमारा एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का था। सबसे पहले बात करें इनिशियल पिकअप की, तो देखिए इसमें ना ही इनिशियल पिकअप टॉप अप ब्रांड, कहीं पर भी मुझे कोई ऐसा भी पावर की कमी नहीं लगी। जो पावर आपको फर्स्ट गियर 1000 RPM पे मिलता है, वही पावर आपको 10000 RPM पर मिलता है। वजह जब हमने जानी तो इसमें पता चला कि डुअल थ्रॉटल वॉल्व दिया गया है, जो कि आपको निंजा ZX 10R में देखने को मिल जाता है, यानी वो टेक्नोलॉजी इस बाइक में भी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से पावर जो है वो हर एक RPM पे कांस्टेंट ही देखने को मिलता है। हालांकि जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो थोड़ा सा मुझे कम और ज़्यादा महसूस ज़रूर हुआ, लेकिन कंपनी का कहना है। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और बाइक को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई, चाहे फिर वो सेकेंड गियर में हो या थर्ड गियर में हो या सिक्स्थ गियर में हो। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर मान लो फिफ्थ गियर में होते हो और किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप थ्रॉटल लो और तुरंत आप आगे निकलोगे, यानी क्विक रिस्पांस देखने को मिल जाता है। इसमें डुअल थ्रॉटल वॉल्व दिया गया है, 296 cc का इंजन दिया गया है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 39 PS की 11000 RPM पे, और टॉर्क मिल जाता है 26.1 Nm का 10000 RPM पर। ये 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में ये बाइक आ जाती है। DOSC 8 वॉल्व यहाँ पर दिए गए हैं। चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसका सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाते हैं। अगर आपको दो लोग को बैठालना है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता तो काफ़ी बेहतर हो जाता। 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर किया जा सकता था। लेकिन क्या है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से आपकी हाइट अगर कम भी है तो आप आराम से बैठ पाएंगे। मैं सस्पेंशन को उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, लेकिन जितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उन्होंने इसकी तारीफ ही की है। ब्रेक्स की बात करें, ब्रेक्स तो हमने चेक किया, जो इसकी ब्रेक्स हैं वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट आपको देखने को मिल जाती हैं। आप 60-70-80 की स्पीड में होते हो और आप सीधे अगर आप रिस्पॉन्स करते हो, यानी स्ट्रेट अगर आप चल रहे हो और ब्रेक लेते हो बिना स्किड किए, ये बाइक आसानी से एकदम रुक जाती है, यानी यहाँ ब्रेक पर भी क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी इजी मुझे लगी, कहीं कोई भी लैक या जर्क या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आई, क्योंकि इसमें असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी दिया गया है। बाइक को ट्रैफिक में भी हैंडल कर पाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप अच्छे खासे भीड़ वाले रास्ते पर भी इसको चला सकते हैं। माइलेज की बात की जाए तो हाँ, ये है 25-27 के आसपास का माइलेज इसमें मिल जाएगा, हालांकि 300 cc की बाइक लेकर कोई माइलेज देखता नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताइए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और हाँ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं।